हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईएमडी यूट्यूब चैनल बच्चे नेक्स्ट। हमारी क्लास है, आज लेक्चर आपका इसमें टॉपिक कवर करेंगे हम एंटरप्रेन्योर डिसीजन प्रोसेस चैलेंजेस फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है कि डिसीजन लेने में एंटरप्रेन्योर को क्या क्या प्रोसेस है या फिर आप क्या चैलेंजेस आप लोग फेस करने वाले हैं बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। तो एंटरप्रेन्योर डिसीजन प्रोसेस, द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरियल स्टाइल एंड मैनेजरियल स्टाइल इन्वॉल्व्स फाइव बिजनेस डायमेंशन। देखिए, एंटरप्रेन्योर रियल स्टाइल एक बिजनेसमैन बनने में और चीजों को मैनेज करने में, मैनेजर बनने में, क्योंकि मैनेजमेंट तो आपके हाथ में होगा ही होगा, तो ये दोनों ही स्टाइल आपस में डिफरेंट है हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसके एंटरप्रेन्योरियल अगर मैं डेवलप उसकी बात करूँ डिसीजन प्रोसेस की, तो इसमें फाइव डायमेंशन आपके आते हैं डिफरेंट डिफरेंट। फर्स्ट है आपका स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड। तो बेटा, आप एक एंटरप्रेन्योर अपनी स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड तो होना ही होना चाहिए। क्या स्ट्रैटेजी उसने फिक्स करी है, क्या उसे काम करना था, अगर उस तरह की, क्योंकि हम जब सोचते हैं तो हम हर तरफ से सोच के चलना पड़ता है, अलग अलग लोगों के ओपिनियंस लेने पड़ते हैं, उन ओपिनियंस में हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही सामने वाला सोच रहा हो, और जैसा हमारे सामने वाला सोच रहा है वैसा ही और कोई सोच रहा हो। ठीक है, हर बंदे का, हर डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट ओपिनियन होता है ना। तो यही सब चीजें हमें क्या करनी है, सीखनी है, उन्हीं सबको मिलाकर हमें क्या करनी है, स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है। तो देखिए, एन एंटरप्रेन्योर स्ट्रैटेजी ओरिएंटेशन मींस ऑन हिज और हर परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी। व्हेन द यूज ऑफ प्लानिंग सिस्टम इज अ स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड, द एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन इज ऑपरेट organization
बंदा अपनी जॉब पे अपॉइंटेड होता है, the entrepreneur employs a flat organizational structure with informal networks. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चैलेंजेस फेस बाय एंटरप्रेन्योर. क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को एज एन एंटरप्रेन्योर फेस करने पड़ेंगे. ठीक है, देखिए एन एंटरप्रेन्योर इज वन हू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. बेसिकली एन एंटरप्रेन्योर कैन बी रिगार्डेड एज अ पर्सन हू हैज इनिशिएटिव स्किल एंड मोटिवेशन टू सेट अप द बिजनेस और एन एंटरप्राइज ऑफ हिज ऑन एंड हू ऑलवेज लुक फॉर हाई अचीवमेंट. एंटरप्रेन्योर्स हैव टू फेस न्यूमरस चैलेंजेस ऑन द रोड ऑफ सक्सेस. इन पर्टिकुलर विद regards to access the finance, all entrepreneurs will at same point feel overwhelmed with the many responsibilities that fall on their shoulders. The common challenges faced by entrepreneurs are overestimating success, misplaced purpose, negative mindset, poor organization, lack of all traits, and employee motivation, lack of support. These are such things that an entrepreneur जितनी अच्छी आप मार्केटिंग रखेंगे, जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट होगा,
उतना अच्छा ही आप मार्केटिंग कर पाएंगे, है ना। तो मार्केटिंग भी आपके लिए क्या होगा बेटा, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा भाई। आपको छोटे लेवल पे करनी है, बड़े लेवल पे करनी है, तो आपका वो लेंथ ऑफ द बिजनेस पे भी डिपेंड करेगा, है ना, साइज ऑफ द बिजनेस पे भी डिपेंड करेगा। वेदर एन एंटरप्रेन्योर प्लान्स टू सेल प्रोडक्ट्स लाइक कंप्यूटर और सर्विसेज लाइक रिपेयरिंग कंप्यूटर, शी नीड्स टू मार्केट, ही नीड्स टू योर, शी नीड्स टू मार्केट द बिजनेस। Entrepreneurship problems can arise when an effective marketing plan does not exist and don't have the ability to actually sell the products or services. Another problem involves using effective advertising in a society where placing flyers or street posts may not gain a customer's attraction. You need an effective throughout the marketing plan to inform the people about your business. So, aajkal sabse bada business को इंट्रोड्यूस कराने का प्लेटफॉर्म बना हुआ है आपका क्या, है ना, इवन पोस्ट्स टू इंस्टाग्राम, ट्विटर और योर व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो अब ये आपके बैनर वैनर लगाना, अदरवाइज आप कह सकते हैं पोस्टर चिपकाना, है ना, एडवर्टाइजमेंट देना, तो ये सब चीजें क्या है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम इफेक्ट, क्योंकि पब्लिक ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रही है, जा नहीं रही है बाहर, वीडियो लॉकडाउन एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट है फाइंडिंग द राइट बिजनेस। तो आपको एक राइट बिजनेस फाइंड करना है, राइट प्लेस फाइंड करना है, आपको ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है या ग्रो कर रही है इजिली, बिकॉज आप जहाँ पॉपुलेशन जितनी इंक्रीज करेगी या ग्रो करेगी वहां डिमांड तो आपकी ऑलरेडी इंक्रीज हो ही जाएगी। अनफोर्सिंग बिजनेस एक्सपेंसिव, तो इस तरह की चीजें हो सकती है जो आपने कभी देखी नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे मौसम खराब होना, तूफान आना, जो आपकी नेचर रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, तो उन सब चीजों से भी आप लोगों को निकलना है। तो इसमें आपकी आदत है, देखिए मैं बता देती हूँ, अनएक्सपेक्टेड लो सूट्स को लो में चेंज आ गया है, इनकंसिस्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, नॉट बीइंग एबल टू मेक पेरोल्स, अनेबल बिल्स, अनपेड बिल्स एंड टैक्सेस हैं आपके, अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन ऑफ स्टाफ फ्रॉम सेंसिटिव ऑफिस, बैड पैकेज फ्रॉम कस्टमर्स, लॉस ऑफ मार्केट शेयर, ड्रिलिंग आपका क्या है, ड्रिलिंग वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको बोल दिया था, इनएडिक्वेट स्टॉक एंड इन्वेंटरी एंड फाइंडिंग गुड कस्टमर्स, ठीक है। तो ये सब जो चैलेंजेस हैं आपके, ये क्या है बेटा, ये सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग पार्ट है, ये सब आपके चैलेंजेस होंगे, और हम लोगों ने प्रोसेस और जो भी चैलेंजेस वगैरह फेस करने हैं वो सब चीजें पड़ी, तो ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है, इतना टफ टॉपिक नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।